आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह नाम का अर्थ क्या है। जी हां, बहुत सारे विश्वासी लोगों को शायद यीशु मसीह नाम का मतलब भी नहीं पता होगा। जिस नाम को आप लेते हैं उस नाम का अर्थ आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु नाम कहां से आया और यीशु किसका नाम है, यीशु मसीह नाम का अर्थ क्या है। यीशु का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार करता। यीशु नाम का अर्थ है मुक्ति दाता परमेश्वर। जी हां, जो परमेश्वर आपको पापों से मुक्ति दे सकता हो, रोगों से मुक्ति दे सकता हो, उसका नाम यीशु है। और मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त। तो यीशु मसीह का मतलब हुआ मुक्ति दाता परमेश्वर, जो अभिषिक्त है या अभिषिक्त मुक्ति दाता परमेश्वर, अभिषिक्त उद्धार करता परमेश्वर, उसको बोलते हैं यीशु मसीह। क्योंकि हर एक को पापों से मुक्ति चाहिए, हर एक जन पापी है, सबने पाप किया है, सबको मुक्ति चाहिए, तो इसके लिए सभी को मुक्तिदाता परमेश्वर चाहिए। एक हिंदू भी पापी है, एक ईसाई भी पापी है, एक मुसलमान भी पापी है, एक पारसी भी पापी है, सभी पापी हैं, सबने पाप किया है। तो चाहे कोई हिंदू हो उसको भी मुक्तिदाता परमेश्वर चाहिए, चाहे मुसलमान हो उसको भी मुक्तिदाता परमेश्वर चाहिए, चाहे यहूदी हो उसको भी मुक्तिदाता परमेश्वर चाहिए, और चाहे कोई ईसाई भी हो उसको भी मुक्तिदाता परमेश्वर चाहिए। क्योंकि हर एक पापी है, हर एक को पापों से मुक्ति चाहिए। अगर पापों से मुक्ति नहीं तो पापों की सजा है। और पापों की सजा क्या है, सभी धर्म शास्त्र पाप की सजा एक ही बताते हैं कि वो नरक की आग है। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा नरक में डाल दी जाएगी कि वो अपने पापों की सजा को भोगे। इसी नरक में डाले जाने से बचाव के लिए मुक्तिदाता परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। पुराने नियम में इब्रानियों में एक शब्द है येशुआ, येशुआ से बना है हिंदी में येशु। येशुआ का मतलब होता है यहोवा उद्धार करता। अब यहोवा का मतलब क्या होता है यह भी आपको बताना चाहता हूं। यहोवा का मतलब है जीवित परमेश्वर। आमीन। तो येशुआ का मतलब हुआ जीवित उद्धार करता परमेश्वर। जी हां, जो हमेशा जीवित है, जो मरकर भी मरा नहीं, वो येशुआ है, वो येशु है। येशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, आज भी जिंदा। और बाइबिल बोलती है वो युगान युग जीवता है, हमेशा के लिए जिंदा है। तो जब आप येशु मसीह नाम पर विश्वास करते हैं तो आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अभिषिक्त है आपको मुक्ति देने के लिए, जो अभिषिक्त है आपके पापों को क्षमा करने के लिए, जो अभिषिक्त है आपका उद्धार करने के लिए। ये हर एक को चाहिए। ये अभिषिक्त परमेश्वर अर्थात ये प्रभु यीशु मसीह, जिसका अभिषेक आपका और मेरा उद्धार करने के लिए हुआ है, हर एक के जीवन को चाहिए। क्योंकि हर एक पापी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आप यीशु के नाम के अर्थ को समझकर प्रभु यीशु को अपने जीवन में लें, ताकि आपके जीवन में पापों की क्षमा
और मुक्ति आए। धन्यवाद। जय मसीह की।